हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बला। अभी देखिए हम लोग वेस्ट बंगाल में आ गए हैं, बंगाल सफारी जहाँ पर आपको जू में देखने को मिलेगा बहुत सारा एनिमल्स। अभी हम लोग जाएंगे बंगाल सफारी, नाम है जंगल सफारी। आप देख सकते हैं ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है बंगाल सफारी। यहाँ से आए इसमें हम लोग एंट्रेंस कर चुके हैं, आगे हम अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये है इसका रेट चार्ट, टिकट रेट चार्ट है। 400 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, जितना जैसे जिसका भाड़ा है उसी हिसाब से उनका एरिया डिसाइड है, उसी हिसाब से घुमाते हैं। यहाँ पर देखिए एक हाइट बार लगा हुआ है जहाँ पर जानवरों की हाइट माप के दिखाई गई है और वहाँ आप अपना हाइट का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने शैलेश भाई को बुलाएंगे, पहले देखेंगे उनका हाइट कितना है। तो हमारे शैलेश भाई देखिए 6 फुट से भी लंबे हैं, बढ़िया बेहतरीन हाइट। और मैं अपना भी देखूँगा, मेरा भी नियर बाई 6 फीट है और बियर का 7 फुट, टाइगर का 8 फीट और एलिफेंट का 12 फीट वहाँ दिया गया है हाइट। इससे आप अपना हाइट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे, टिकट काउंटर से हमारे प्रशांत भैया टिकट लेकर आएंगे तो हम लोग को एंट्री गेट में एंट्री मिल जाएगी। जब आप देख सकते हैं ये आगे एंट्री गेट है, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे प्रशांत भैया टिकट लेके आ गए हैं। और आगे ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं इसी से हम लोगों ने टिकट बुक किया है घूमने के लिए, इसी गाड़ी से हम लोग को घुमाया जाएगा। रेड है और बस से 200 रुपये है, तो हम लोगों ने 400 रुपये का टिकट सेलेक्ट किया है ग्रैंड सफारी। पूरे जंगल को देखने के लिए, हर जीव को देखने के लिए 400 रुपये का ग्रैंड सफारी टिकट है। आधा 200 रुपये में आधा दिखाया जाता है। तभी हमारी यहाँ से गाड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ड्राइवर रहते हैं और गाड़ी उसी की रहती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। आगे हम लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस भी है, कोई खिड़की नहीं खोलेगा, हाथ बाहर नहीं निकाल। यहाँ से हमारी जंगल सफारी वैन आगे बढ़ गई तो हम लोग इसलिए आप लोग थोड़ा अंदर का भी रिकॉर्डिंग कर लिए। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे प्रशांत भैया पीछे हैं, हम और हरिंदर एक जगह सीट मिला हुआ है, बैठे हुए हैं। तो ड्राइवर ने बताया कि अभी तो और 2-3 मिनट के बाद हम नेफ्ट इसमें पहुंचेंगे जहां पर आप लोग को भालू, चीता, शेर, हाथी सारे जानवरों को दिखाया जाएगा। तो हम लोग अंदर ही बैठ के आराम से मस्ती कर रहे थे तो हम लोग अभी जंगल के नज़दीक आ गए। यहाँ पर एक झुंड हिरन थोड़ा दूर में दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। और स्टैग हमारे गाड़ी के पास ही आ गया है, स्टैग 12 सिंगा जिसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, जो कि हमारे गाड़ी के बहुत करीब में खड़ा था। और हमारी गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी दूर में है, लगभग 30-40 किलोमीटर का एरिया है जिसके लिए ज़्यादा समय तक नहीं रोका जाता है। एक जगह पर गाड़ी चलती रहती, थोड़ा देर दिखाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक हिरन अपने बच्चे के साथ यहाँ घूम रहा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपनी माँ के पीछे 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 कैसे आराम से जा रहा है। आपको यहाँ सारा चीज़ लाइव बहुत करीब से देखने को मिलता है, देखिए कितना तेज़ रफ्तार से हिरन दौड़ के निकल गया। तो और यहाँ एक जंगली मुर्गा भी आपको पीछे देखने को मिल जाएगा, जंगली मुर्गे भी यहाँ बहुत सारे हैं। जंगल की सुंदरता आप देख सकते हैं, इसके बीच में बनाया गया रास्ता, इस जंगल जितना सुंदर लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसमें बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, या आप गाड़ी से कदम बाहर निकालना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। आप देख सकते हैं एक और स्टेक आ गया है जो कुछ घास फूस खा रहा है आराम से।
ये ज़्यादा भागते भी नहीं हैं, गाड़ी के पास आके खड़े हो जाते हैं और हमारी गाड़ी फिर और आगे की तरफ। देखिए यहाँ कितना बड़ा सिंह वाला बारह सिंह है। अभी हम आ गए हैं भालू। भालू एक बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक जानवर, जिसको कि बंद करके रखा गया है। गर्मी के कारण ये पानी में बैठा हुआ है। हम लोग अभी आपको ड्यूल कैमरा भी से दिखाएंगे। हम खुद का भी वीडियो के साथ साथ बाहर का वीडियो ड्यूल कैमरा भी से ले रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंट है कि अभी थोड़ा देर के बाद यहाँ हर जानवरों का अलग अलग करके बेड़ा बनाया गया है, नहीं तो एक दूसरे को ये खा जाएंगे, इसलिए अलग अलग पार्ट्स में किया गया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अगले पार्ट्स में, जहाँ की बंगाल टाइगर बियर का अलग अलग अपना जगह में अलग अलग दिखाया जाएगा काफ़ी करीब से। काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी था, लेकिन गाड़ी का एसी फुल पे चल रहा था तो हम लोग को गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा था। तो इसके आगे अभी देखिए कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं, जहाँ आपको अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। देखिए मोर, मोर यहाँ दिखने को मिल रहा है, पिकॉक। और अभी देखिए हम लोग आ गए हैं भालू के पास। भालू के पास आके हमारी जंगल सफारी में उनको रोक दिया गया है। ब्लैक बियर है, जो कि आप देख सकते हैं कितना करीब है। ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन ख़तरनाक बहुत ज़्यादा है। और इससे बड़े बड़े और जानवर आगे हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिल जाएगा। देखिए धीरे धीरे हमारे बैन की तरफ आ रहा है। बैन के पास आके खड़े हो जाते हैं, रास्ते में आके बैठ जाते हैं। देखिए अभी आके हमारे गाड़ी के आगे बैठ गया है। ये चीता है, चीता, लेपर्ड। लेपर्ड हमारे बैन के आगे आके बैठ गया है, और जब तक ये हटेगा नहीं हमारी बैन आगे नहीं जा पाएगी। रिस्ट्रिक्टेड है, आप ज़्यादा हारन नहीं बजा सकते हैं, इनको भगाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो इनका बीपी जहाँ हाई हुआ है तुरंत अटैक कर देते हैं, गाड़ी पर टायर फाड़ देते हैं, शीशा तोड़ देते हैं। और जो यात्री रहते हैं जंगल सफारी, इनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं, इसलिए इनको रिस्ट्रिक्टेड है। कैमरा लगा रहता है कंट्रोल रूम से, गाड़ी ज़्यादा करीब जाने से वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि गाड़ी को रोकिए। और देखिए अभी ये हट गया, हमारे गाड़ी को रास्ता दे दिया है, तो हमारा गाड़ी थोड़ा आगे जाके इसको साइड में रोक दिया। और ये फ्रंट डोर के पास ही बैठा हुआ है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, कोई हाथ बाहर नहीं निकालना है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो शीशे के बीच से आप वीडियो बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये लंबी पूछ वाला लेपर्ड, और यहाँ कुछ सबको एक साथ नहीं खोलते हैं, नहीं तो ये आपस में भी लड़ जाते हैं। कुछ जानवरों को देखिए यहाँ बंद करके भी रखा हुआ है बेड़े के अंदर में, ये रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इनको भी कभी बाहर निकलने का मौका मिलेगा खोल दिया जाएगा। गाड़ी हमारी और आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई आप देख सकते हैं। जंगल तो अभी बहुत बाकी है, बहुत बड़ा जंगल है ये, पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहता है। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी हर इसकी बना हुआ है इनके लिए, उसमें रहते हैं। गेट खोलने के बंद करने के लिए गाड़ी जैसे घुसती है तुरंत गेट को बंद कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं यहाँ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर हमारी गाड़ी के सामने सामने धीरे धीरे कितना मस्ती चाल में चल रहा है। गाड़ी को धीरे धीरे उसके पीछे पीछे लाया जा रहा है, और इसको भगाने के लिए या इसके ज़्यादा करीब नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि ये अगर पलटवार कर दिया तो सबके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। ये अपने मस्ती में अपने हिसाब से चलते रहते हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और जो देखने वाले हैं इनको सीक्वेंस बाई एक एक करके
दिखाया जाता है। अगर जाते टाइम रास्ते में नहीं मिलता है तो गाड़ी को घुमा के दोबारा फिर लाया जाता है। आपको गाड़ी को घुमा घुमा के इनको दिखाया जाएगा। 2 घंटा का टाइमिंग होता है, 2 घंटे के अंदर पूरा जंगल में आपको घुमा घुमा के सारे जानवरों को दिखा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यूज है, कितना आराम से स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। इनके अंदर ऊपर कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। ये अपना इनका खाना ला के बाहर से प्रोवाइड किया जाता है। इन लोग का बना हुआ है कहाँ खाना देना है, कहाँ नहाना धोना, कहाँ क्या क्या है, सब इनकी व्यवस्था बना हुआ है। पानी पीने के लिए पानी भरा रहता है, स्नान करने के लिए भी वहीं रहता है, जो कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे ये कहाँ बैठते हैं, कहाँ घूमते हैं, कैसे कैसे। आप वीडियो में आगे बने रहें, आपको सारा चीज़ सीक्वेंस से एक एक करके दिखाया जाएगा। हमारा गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं टाइगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर का ये मादा टाइगर है। ये बच्चे दिए हैं, इसके बच्चे कहीं रखे हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वो बाहर अभी नहीं छोड़ते हैं उसको। ये धीरे 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 देखिए आगे आगे कैसे मस्ती चाल में चल रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है, किसी का ना डर ना भय ना खौफ, अपने मस्ती से चलते रहते हैं। देखिए गाड़ी के आगे आगे रोड में ही धीरे धीरे चल रहा है। सारे लोग बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं उसको, वीडियो बना रहे हैं और मस्ती एंजॉय जंगल सफारी का एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी ये रास्ता से अलग हो गया है जंगल की तरफ, तो अभी हमारा गाड़ी आगे बढ़ सकता है। सबको देखने के बाद जैसा सारे सफारी यात्री जैसे बोलते हैं, ड्राइवर आगे बढ़ा देता है, क्योंकि टाइम सबके पास कम है, टाइम और देखना पूरा है, तो उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। वो देर तक भी नहीं रोकेगा और ऐसा भी नहीं है कि आपको दिखाएगा नहीं, सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा। अगर कम टाइम में भी आप बोलोगे तो नहीं हो पाएगा आपका। अगर वो नहीं दिखा पाया 2 घंटे के अंदर तो और आपको टाइम और देगा और घुमाएगा। ये देखिए रास्ते से हट नहीं रहा है, हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अभी साइड हो गया है। तो आगे चल के हम आप लोग को दिखाएंगे ये लोग बैठने का जगह कहाँ है, नहाने का जगह। ये लोग गर्मी बहुत है ना, तो ये लोग पानी में जाके बैठता है शरीर को ठंडा करने के लिए और पीने के लिए भी पानी। तो अभी देखिए ये जाके पानी में बैठ गया, पानी कैसे पी रहा है। घूमते घूमते धूप में जब इनका शरीर गर्म हो जाता है, प्यास लग जाती है, तो ये यहाँ के पानी पीते हैं और इसमें बैठ के शरीर को ठंडा करते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत गर्मी, भीषण गर्मी और अच्छे। और इसका साइड में आप देखेंगे ऊपर में इनको बैठने के लिए, ठंडी के मौसम में धूप सेकने के लिए भी बना रहता है इनका पोस्ट। इनका खाने वाने का जो यहीं प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ ला के खाना वाना इनका डाल दिया जाता है, तो ये लोग आके यहाँ अपना खाना खा के पानी पी के फिर अपना फ्री होकर घूमते रहते हैं। ये देखिए ये नर टाइगर है, ये आराम से यहाँ बैठ के अपना मस्ती कर रहा है और ये पानी में बैठ के अपना बॉडी को ठंडा कर रहा है। कितना आराम से देखिए पानी के अंदर, जैसे हम लोग को कैसे गर्मी लगा रहता है नदी में या तालाब में घुस के आराम से मस्ती करते हैं, ऐसे ही ये लोग, इनके लिए जगह कई जगह पर ऐसे बनाया गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे इधर ही आएंगे, इधर भी बैठेंगे आगे जाएंगे। ये देखिए चिंपांजी देखिए कैसे झूल झूल के मस्ती करके कैसे आगे बढ़ रहा है। पीछे एक छोटा सा लटका हुआ है और ये देखिए कैसे चाल इसका
कितना मस्ती से वो पेड़ पे अमरूद का पेड़ है उस पर लटक रहा है ये, अंदर इसका पूरा घेरा लगा हुआ है। और ये बोलने वाला पैरट, इससे रिपीट करता है, आप जो बोलोगे वो बात को रिपोर्ट करेगा। तो हम लोगों ने इसे मिट्टू नाम बोलने से भी, मिट्टू एक दो वर्ड का नाम बोलने से बोलता है, नहीं तो मिट्टू बोलने से बोलता है। तो हमारे पीके भैया ने बोला पीके, तो उसने भी बोला पीके, ये रिपीट करता है और गुस्सा भी करता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये है। अभी हम लोग आ गए बर्ड्स यहाँ पूरा बर्ड्स है, देखिए ये कितना लंबा चोच वाला बर्ड्स है। इसको देखने से ही डर लग रहा है कि ये आँख में ही मार देगा चोच, बहुत पुराना पक्षी है।